शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रेरक संघ द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन धरना 12वें दिन भी संविदा बहाली और बकाया मानदेय भुगतान के लिए जारी रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष साक्षरता समन्वय संघ आनंद कुमार ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लोगों का बकाया मानदेय और संविदा वृद्धि नहीं हो जाती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जितेंद्र पांडे, रुखसाना खातून, संत कबीर नगर से राम भवन, महाराजगंज जिले से अवध नारायण, पंकज सिंह, वैजनाथ, अशोक जितेंद्र कुमार, मनोज यादव, नैना सहित अन्य प्रेरक उपस्थित रहे। समस्याओं से उनको अवगत कराया और उन्होंने हमें विभागीय व्यवस्था के अनुरूप हम लोगों की मांग पत्रों को उस पर निर्देश और वार्ता भी किया, उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता भी किया। मान दिलवाने की कोशिश करूंगा ऐसा उन्होंने कहा है। अपने अधिकारों को पाने में जो सीढ़ी हम लोग चढ़ रहे हैं उसमें अपना योगदान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये बात पहुंचाना चाहता हूं तो उनके तक ये बात पहुंचे और वो हमारी बातों को, हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए हमारे जायज मांगों को पूरा करें। साथ वह सभी काम किया जाएगा ताकि हमारी मांगों, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और हमारी मजाज मांगों को पूरा कर सके। इसके साथ हम मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं कि आए और दो शब्दों इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब एक महिला हम लोगों से पहले आ सकती है समय से तो हम लोग पीछे क्यों रहते हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं और जैसा कि आपको पता है अगर वो जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन पहले पहुँचूँ और मैंने फ़ोन से भी कितने लोगों को संपर्क किया, बात की कि आप लोग आइए यहाँ पे, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे। इस चीज़ की मुझे बहुत दुख है मुझे इस बात का। और ये लोग एक नहीं 10 के बराबर हैं, 10 के बराबर हिम्मत और ताकत है। अंदर वो जज्बा आया है, वो जुनून आया कि मैं भी कुछ करूंगी, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, इन लोग का साथ देना है। इसीलिए और मैं अपने घर से ना रह के यहाँ गोरखपुर में इस टाइम हूँ कि वहाँ से शायद बारिश हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं ना आ पाऊँ, मेरी एब्सेंटी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ गोरखपुर में रह कर ये ना हो कि मैं किसी दिन वहाँ पर अनुपस्थित हो जाऊँ। मेरी उपस्थिति रोज़ दर्ज होनी चाहिए। जैसे वो लोग आते हैं उन लोग के अंदर हिम्मत ताकत है, वही हिम्मत ताकत मैं उन लोग से सीखना चाहती हूँ, उन लोग की अच्छाइयों को मैं अपने अंदर लेना चाहती हूँ। और आज तक 12वां दिन है और मैंने बहुत कुछ सीखा उन लोगों से।